हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सुहेल सर एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर पर स्वागत करता हूं। आप सभी को जानकर ये बहुत बड़ी खुशी होगी कि आपकी उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस कांस्टेबल और पीएससी की 2023 की भर्तियां आ चुकी हैं। जैसा कि आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी कहीं ना कहीं से, तो उसी को लेकर आज हम इस पर कुछ डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारी कुल पदों की संख्या क्या है, वेतन क्या है और आवेदन कब से स्टार्ट होंगे और शारीरिक योग्यता और इसके बारे में जो भी बेसिक डिटेल्स हैं वो सारी आप सभी के साथ में शेयर करते हैं। तो बने रहे मेरे वीडियो के लास्ट तक और वॉच करिए फुल वीडियो और किसी भी चीज़ को मिस नहीं करना है, नहीं तो आपका बहुत ही बड़ा लॉस होगा अगर आप पीएससी या यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। तो जैसा कि सभी को पता है 2023 की यूपी पुलिस कांस्टेबल और पीएससी की भर्ती जो आ रही है हमारी 52,000 प्लस आ रही हैं, जिसमें 52,699 से ज़्यादा भर्तियाँ दिखाई जा रही हैं। इससे भी ज़्यादा थोड़ी सी हो सकती हैं, लगभग इतनी पोस्ट आपकी आनी है। और इसमें जो वेतन की बात की गई है वो 21,700 रुपये प्लस डीए, एचआरए, अदर अलाउंसेस पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको शेयर किए जाएंगे अगर आप सभी का सिलेक्शन होता है तो। और इसकी आवेदन की संभावित तिथि, जो मतलब एग्जैक्ट तिथि, एग्जैक्ट डेट नहीं है, लेकिन एक अनुमान लगाने के बाद बताया जा रहा है कि 15 जुलाई से आप सभी के आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी एग्ज़ाम की डेट जो लगेगी वो लगभग दिसंबर में लगेगी जाके। जैसे इसकी एग्जैक्ट आवेदन स्टार्ट होंगे, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, उस दिन मैं आप सभी के लिए वीडियो बना दूंगा और कैसे फॉर्म फिल करना है आप सभी फिल कर सकते हैं और सारी डिटेल पता कर सकते हैं। और इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की गई वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए या इसके समकक्ष होनी चाहिए। और इसमें जो आयु की सीमा दी गई, एज जो दिया गया है वो मेल के लिए 18 से 22 वर्ष, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट है। जिसमें महिला के लिए बात की गई, फीमेल के लिए 18 से 25 वर्ष, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी है तो 5 वर्ष की छूट इन लोगों को भी मिलेगी। और इसमें जो शारीरिक योग्यता दी गई है, जो हाइट दी गई है मेल के लिए वो 168 सेंटीमीटर और जो चेस्ट दिया गया है वो 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए प्लस 5 सेंटीमीटर फुलाव का होना जरूरी है। वहाँ पे फुला सकते हैं अगर आपका कम पड़ रहा है, 5 सेंटीमीटर फुलाने के अकॉर्डिंग भी आपका मैनेज कर लिया जाएगा। फिर आता है फीमेल की हाइट, जो 152 सेंटीमीटर और इनका जो वेट होगा वो 40 केजी से कम नहीं होना चाहिए, इससे अधिक ही होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो आरक्षण मिलेगा किन लोगों को मिलेगा, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वुमेन्स को आरक्षण भी दिया जाएगा इसमें। इसके बाद इनकी जो चयन प्रक्रिया रहेगी वो किस तरीके से रहेगी, तो इसमें पहला आपका स्टेप होगा लिखित परीक्षा, जिसमें आपको पेपर क्वालिफाई करना होगा। इसके बाद फिजिकल होगा, इसके बाद मेडिकल का टेस्ट होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो सकेगा। और जो लिखित परीक्षा होगी इसमें जो सिलेबस है आपका, उसमें जनरल नॉलेज, सामान्य हिंदी, अंकगणित, तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग, जिसके सब मिला के टोटल अंक आएंगे आपके 300, जिसमें निगेटिव मार्किंग है, सभी को ध्यान रखना है, 0.25 मतलब 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी रहेगी सभी की। और जो शारीरिक परीक्षा क्वालिफाइंग रहेगी वो रेस रहेगी, मतलब आपको दौड़ना भी होगा, जिसमें 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, ये मेल के लिए है। और जो फीमेल के लिए है वह 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में रेस भी करनी होगी। और इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो 10th 12th स्थायी निवास और ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूबीएस प्रमाण पत्र भी लगेगा। इसमें जो नोट भी दिया गया है उन लोगों के लिए जो बच्चे ओबीसी, एससी, एसटी में नहीं आते हैं और उनके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम हो, उन्हें ईडब्ल्यूएस का आरक्षण प्रमाण पत्र बनवाना चाहिए, जो तहसील से आसानी से बन जाता है। मतलब जो ओबीसी, एससी, एसटी में नहीं आता, मतलब जो जनरल वाले हैं और उनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है, उन्हें ईडब्ल्यूएस का आरक्षण प्रमाण पत्र बनवाना चाहिए, जिससे उनको काफ़ी सारा रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, मतलब सबसे पहले अपना आय प्रमाण पत्र बनवाइए, इसके बाद ईडब्ल्यूएस का आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि आप अपनी तहसील से कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ही यूजफुल लगा होगा, जिसमें सारी डिटेल मैंने दी है। इसके बाद जल्दी नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, जिस दिन आपकी रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, चैनल पे प्रॉपर बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।